हेलो फ्रेंड, डिस्कवरी ऑफ ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम बेसन का चीला बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ हमने एक बारीक कटी प्याज, दो टमाटर जिसको बारीक कट लिया है, एक हरी मिर्ची लिया है। एक कप बेसन को बोल में डालेंगे। अब एक कप बटर मिल्क बेसन में डालकर हल्का गाढ़ा घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क डालकर घोल बनाएंगे जिससे घोल में गुठलियां नहीं बनेगी। इसे अच्छे से फेंटना है जिससे बेसन फूल जाएगा और चीला फ्लफी बनेगा। अब इसमें कटे प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालें। अब इसे मसाला मिलने तक फेंटें। घोल तैयार है, अब चीला बनाते हैं। पैन को गर्म करके तेल डालेंगे। अब चीला का घोल डालकर फैला देंगे। जितना बड़ा चीला बनाना चाहते हैं उतना आप इसे फैला सकते हैं। चीला के किनारों पर थोड़ा तेल डालेंगे और थोड़ा चीला के ऊपर। जैसे ही हमें ऊपर के सरफेस का कलर चेंज लगेगा हम इसे पलट देंगे। दोनों साइड से इसे अच्छे से सेकेंगे। आप देख सकते हैं चीला कितना अच्छे से सिक गया है। अब हम इसके साथ खाने के लिए चटनी तैयार करते हैं। एक टमाटर को बड़े बड़े काट लेंगे। एक हरी मिर्ची लेंगे। 10 से 15 लहसुन की कलियां, हरे पुदीना के ताजे पत्ते, 1 टीस्पून धात्रीमा ब्रांड का सरसों का तेल। धात्रीमा सरसों तेल 100% प्योर तेल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये स्वाद में और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच जीरा। अब इसे पीस लेंगे। चटनी तैयार है। इसे चीले के साथ सर्व करेंगे। आप ट्राई करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। ये एक ऑमलेट के बराबर होता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।